मैंगो का सीज़न है तो चलिए बनाते हैं आज एकदम ही डिलीशियस मैंगो अंगूरी रबड़ी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 लीटर गाय का दूध। इसे अब हम अच्छे से गर्म करने के लिए रख देंगे। जब हम अंगूर बनाएंगे तो उसके लिए हमें गाय के दूध का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबलस्पून लेमन जूस और उसी में 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2-2 चम्मच इसमें डालते जाना है और कड़छी की मदद से हमें हिलाते जाना है जब तक कि दूध पूरी तरह से फट ना जाए। बस यही प्रोसेस को हमें बारी बारी रिपीट करना रहेगा। ये मैं आखिरी बार डाल रही हूँ और अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। और आप देख सकते हैं जो हमारा दूध है वो अच्छे से फट चुका है और इसका जो छेना है वो बहुत ही बढ़िया निकला हुआ है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। उसी के बाद हम इसे छान लेंगे। दूध को फाड़ने के लिए आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। एक पतीले के ऊपर मैंने छलनी रख दी है और उसी के ऊपर हम रख देंगे मसलिन क्लॉथ। अब जो छेना हमने रेडी कर लिया था वो इसके अंदर डाल देना है। फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर 1 ग्लास जितना पानी। पानी डालने से जो नींबू का खट्टापन है वो सारा का सारा निकल जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसका जो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, आप इसका आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रहता है दोस्तों। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब तक रबड़ी बना लेते हैं। तो एक बोल में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर लीजिएगा। साथ ही डाल देना है 3 टेबलस्पून दूध और इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और जो ये मिश्रण है वो बनकर तैयार है। अब हम ले लेते हैं 1/2 लीटर फुल फैट क्रीम, यानी कि जो भैंस का दूध है हम वो ले रहे हैं। तो 1/2 लीटर दूध को हम डाल देते हैं पतीले में और इसे अच्छे से गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून जितनी चीनी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। एक बार कर लेना है अच्छे से इसे मिक्स। 5 मिनट के बाद चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सर हमने बना के रेडी कर लिया था वो अब हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर नीचे चिपक जाता है। तो वो चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दूध में डालें तो एक बार उसे अच्छे से मिक्स कर लें और उसी के बाद हम दूध में डालेंगे। अब इसे कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कुछ केसर के धागे। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची भी डाल सकते हैं दोस्तों। ये अब बनकर तैयार है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। छेना के अंगूरी रबड़ी बनाने के लिए चाशनी रख देते हैं। तो कुकर में मैंने डाल दिया है 1 कप जितनी चीनी, साथ ही डाल देंगे 1/2 लीटर जितना पानी। गैस की फ्लेम को कर लेना है स्टार्ट और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। हमारा जो छेना है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो हम इसे कॉटन में से निकाल लेते हैं और अच्छे से इसे कर लेते हैं स्प्रेड। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितनी चीनी। चीनी डालने से ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से फूलते हैं दोस्तों। सिर्फ एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि छेना में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। 5 मिनट तक के लिए हम हथेली की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसका आटा जैसा ये इकट्ठा ना होने लगे। अब ये अच्छे से गूंद चुका है तो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर रहे हैं। हमारे जो एक बैच है वो इतने बॉल्स बनकर तैयार है दोस्तों, और जो सेकेंड बैच है वो हम दूसरी बार डालेंगे। इसे फूलने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए हम इसे 2 बैच में बना रहे हैं। कुकर में डालने के बाद कुकर को कर लेना है बंद और इसकी हम 2 विसल्स लगा लेंगे और जो हमारी अंगूरी रबड़ी है वो बनकर तैयार है दोस्तों। कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसी के बाद हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं जो अंगूरी रबड़ी है वो काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है।
तो हम इसका पानी निकाल रहे हैं और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। दूसरा जो बैच है उसकी मैंने साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखी है, इसे भी हम दो विसल्स में बनाकर रेडी कर लेते हैं दोस्तों। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए अब मैंगो रबड़ी है तो हम ले लेते हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट यानी कि मैंगो। एक मैंगो को अच्छे से रफली चॉप कर लिया है, इसी के साथ डाल देंगे चीनी और इसे बिना पानी डाले हुए अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब जो इसकी प्यूरी बनाकर रेडी कर ली थी वो हमारी जो रबड़ी है उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रबड़ी है वो बिल्कुल ही ठंडी होनी चाहिए। अब हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और जो हमारी मैंगो रबड़ी है वो बनकर तैयार है दोस्तों। तो चलिए जो हमने अंगूर बना लिए थे उसे हम रबड़ी में डाल देते हैं। दिख रहा है ना, ये बहुत ही टेम्प्टिंग। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा दोस्तों। हम इसे गार्निश कर रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर, साथ ही डाल देने हैं कुछ ड्राइड रोज पेटल्स और मैंने यहाँ पर वरक लगाई है जो बिल्कुल ही ईटेबल है दोस्तों। तो हमारी ये यमी और टेम्प्टिंग रेसिपी बनकर तैयार है। वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।